से कहा। दूसरा नियम एक और है और वो नियम ये है कि पानी कभी भी पियो, घूट घूट भर के पियो। जैसे गरम चाय पीते हैं, गरम कॉफी पीते हैं, गरम दूध पीते हैं, एक एक घूट भर के, एक एक सिप करके, ऐसे ही पानी पीने की आदत डालो। ये मुंह में एक बार गिलास लगा लिया, गटागट उसको खाली कर दिया, ये तरीका गड़बड़ है। एक घूट पानी, दो घूट पानी एक बार में उतना ही पियो। आप बोलोगे ये क्या चक्कर है। बात ऐसी है कि एक एक घूट पानी जब हम पीते हैं तो मुंह की लार पानी के साथ मिलकर पेट में अंदर जाती है, और ये जो मुंह की लार होती है ये क्षारीय होती है और पेट में हमेशा अम्ल बनता रहता है। तो एक घूट पानी पिया, मुंह की लार इसके साथ अंदर गई, दो घूट पिया और ज्यादा गई, बार बार लार अंदर जाएगी तो क्षार पदार्थ पेट के अम्ल के साथ मिलेगा। पेट में अम्ल बनता है, मुंह में लार क्षारीय होती है, तो ये क्षार को अम्ल में मिला दिया जाए और ये अच्छे तरीके से मिलकर पेट में जाए तो कभी भी कोई व्यक्ति के पेट को अम्लता नहीं होती, एसिडिटी नहीं होती। और पेट में अम्लता नहीं होती तो रक्त में अम्लता नहीं होती, और जिनके रक्त में अम्लता नहीं होती उनकी जिंदगी में कभी भी वात पित्त कफ के असंतुलन की स्थिति पैदा नहीं होती। इसलिए पानी घूट घूट करके पीना। मैं आपको एक छोटा सा मेरा ऑब्जर्वेशन बताता हूँ, परीक्षण। आप भारत देश में या दुनिया में कहीं भी जाओ, मनुष्य को छोड़कर पशु पक्षियों को देखना शुरू करो, वो पानी कैसे पीते। किसी चिड़िया को पानी पीते हुए देखो, किसी पक्षी को पानी पीते हुए देखो, वो चोंच के एक बूंद के बराबर ही पानी उठाता है। एक बार में एक बूंद पानी लेगा, फिर थोड़ी देर चोंच चलाएगा, फिर पिएगा, फिर दूसरी बूंद लेगा, फिर चोंच चलाएगा, फिर पिएगा, फिर तीसरी बूंद। एक एक बूंद पक्षी पानी पीता है। कुत्ते को पानी पीते हुए देखो, चाट चाट के पानी पीता है। शेर को पानी पीते हुए देखो, चाट चाट के पानी पीता है। जितने जानवर चाट कर पानी पीते हैं, जितने पक्षी एक एक घूंट पानी पीते हैं, किसी भी पक्षी और किसी भी जानवर को डायबिटीज नहीं है, किसी को अर्थराइटिस नहीं है, कोई पक्षी ओवरवेट नहीं है, कोई पशु ओवरवेट नहीं है, वो सब स्लिम और ट्रिम है, क्योंकि वो इतने होशियार हैं। पानी चाट के पीते हैं या घूट घूट करके पीते। अब मुझे ये हैरानी होती है कि ये पशु पक्षियों को कौन सिखाता है। वो अपने जन्म से ये ज्ञान सीख के आते, उनका कोई गुरु नहीं है, उनका कोई विद्यालय नहीं है, उनके कोई प्रशिक्षण शिविर नहीं लगते, फिर भी उनको इतनी अकल है कि पानी घूट घूट पीना। और हम ये मनुष्य जिनके इतने गुरु, इतने विद्यालय, इतने कॉलेज, सीखने वाले, सिखाने वाले, और हम मूर्खों के मूर्ख गटागट गटागट पानी पीते रहते। तो पानी पीने का तरीका बदल दो, घूट घूट भर के पानी पी।